सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि सदन में आज 22-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बेच 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सरकार ने 3.25 लाख करोड़ के अनुपूरक अनुदान की मांग की है। सरकार ने बजट में इस वर्ष के लिए कुल वे अनुमानित 39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 45 लाख करोड़ पार होने की तरफ बढ़ रहा है। सबत में विभिन्न मंत्रालयों ने जरूरत के हिसाब से राशि की मांग की। मोदी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री सरकार में बैठे मंत्रीगणों की कहना चाहूंगा कि लोक लुभावन और लोक कल्याण दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए लोक लुभावन और लोक कल्याण मंत्र को समझते हुए देश के समग्र विकास की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं को खत्म किया जाना, किसी भी देश की प्रगति उसके द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता से आंका जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं में से 50% से अधिक को बंद कर दिया और कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए साल दर साल दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी भारी कटौती की जा रही है। चौथे मुद्दे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 19 योजनाओं में से अब केवल 3 योजनाएं चल रही है। एक मिनट, मिशन शक्ति, केंद्रीय मिशन वात्सल्य सक्षम आंगनबाड़ी, इसी प्रकार केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही है, शेष को समाप्त कर दिया गया। सबसे मुद्दे, कृषि मंत्रालय की 20 योजनाओं में से वर्तमान में केवल 3 चल रही है। इसके अलावा पिछले 3 सालों में कई मंत्रालयों को दी जाने वाली वित्तीय धनराशि में भी लगातार कमी की जा रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 12 में से सिर्फ 2 योजनाएं चल रही, मंत्रालय ने 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त कर दिया जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी योजना आदि शामिल है। सभापति महोदय, कृषि और किसान मंत्रालय की अब 20 में से 3 योजना कृषोन्नति योजना, कृषि सहकारिता पर 1-1 योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ही चल रही है। ध्यान रहे कि जून 22 तक केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उन बैंकों के पास जमा है जो केंद्र के लिए ब्याज के रूप में आय अर्जित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उर्वरक सब्सिडी में भी लगातार कमी की जा रही है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021 में उर्वरकों पर वास्तविक सरकारी खर्च 1,27,921 करोड़ रुपए, 21-22 में 79,529 करोड़ रुपए और 22-23 के बजट में 1,05,222 करोड़ रुपए रखा गया। सब मतलब यही नहीं, एनपीके उर्वरकों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आवंटन वित्त वर्ष 21-22 में संशोधित अनुमानों की तुलना 35% कम था। इस तरह की बजटीय कटौती से उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ी और उर्वरक की कमी ने विशेष रूप से लघु सीमांत किसानों की कमर ही तोड़ दी। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में यूरिया डीएपी को लेकर बड़े आंदोलन हुए, लाठियां चली, गोली चली देश के अंदर। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, अकेले सरकारी योजनाओं की संख्या ही नहीं घटी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के रोजगार के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में लगातार कमी की जा रही है। नरेगा की वित्त वर्ष 22-23 में आवंटन राशि 73,000 करोड़ थी, ये पिछले साल के आवंटन के मुकाबले लगभग 25% कम है। वित्त वर्ष 21-22 में 98,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सभापति महोदय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी राशि की मांग की, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। महोदय, कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत सरकार दे रही है, दे देगी, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही महंगी गैस वो व्यक्ति कैसे वहन कर पाए, इस दिशा में सरकार को सोचना होगा। आज जिस प्रकार महंगाई ने देश के आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है वो चिंताजनक है। 2014 में एनडीए की सरकार जब बनी तब पेट्रोल डीजल की जो कीमत थी उसकी तुलना आज से करें, इस कारण भी महंगाई भी बढ़ी, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें जो थी उससे अब कम है प्रति बैरल, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, इस पर आम आदमी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे मैं कृषि की बात करूंगा, किसानों के बड़े आंदोलन देश के अंदर चले, उसके अंदर सरकार ने फिर किसानों की बात भी मानी, बेकफुट पाई सरकार, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगों को लेकर एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई उस पर कोई नतीजे निकले नहीं। मेरी मांग रहेगी कि किसान आंदोलन के अंदर जिन बातों में सहमति बनी थी किसानों की संपूर्ण मांगे मानी जाए। भारत की लगभग 69% आबादी समझ में, हम सब किसान परिवारों से आते हैं, किसानों की आमदनी को दुगुना करने संबंधी समिति ने 17 में टिप्पणी की थी, ग्रामीण आय या तो स्थिर है या कम है। 12 और 17 के बीच औसत किसान परिवार की मासिक आय 8,000 से भी कम थी। 7.5% की महंगाई दर के मुकाबले आय की वार्षिक वृद्धि दर 9.5%
आमदनी में होने वाली लगभग 80% बढ़ोतरी खेती से जुड़े खर्चों में खप जाती थी। ऐसे में किसानों के लिए सुदृढ़ क्रेडिट व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, लेकिन विडंबना कि कृषि ऋण सरकारों के लिए एक चुनावी टूल बनकर रह गया। एक कुल 10 राज्यों ने अभी तक कृषि ऋण की कर्ज माफी का ऐलान किया। आरबीआई ने 13 सितंबर 2019 को रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट जारी किया था। इन 10 राज्यों में 8 ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र ऋण में डूबे हुए हैं। हालांकि इन राज्यों के जरिए कृषि कर्ज माफी का ऐलान करना और उसे पूरा कर पाना दोनों में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। सभापति महोदय, आज जो नेता भारत जोड़ो यात्रा के नाम से देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान में चुनाव के दौरान ये कहा था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन इस कर्ज माफी की बात तमाम राजस्थान की यात्रा पूरी हो रही है। अभी इनके नेता ने राजस्थान में बात नहीं चलाई। 14 से 19 तक कुल कल प्लीज एक मिनट आप बोलिए। 14 से 19 तक कुल 10 राज्यों ने 2,36,460 करोड़ कृषि ऋण माफी की घोषणा की, लेकिन सिर्फ 1,49,790 करोड़ रुपए ही बैंकों को रिलीज किया। आरबीआई ने इसकी तस्दीक राज्य सरकार हनुमान जी समाप्त कीजिए। एक मिनट बीते 15-15 मिनट बोल गए लोग, 2-3 मिनट में करने नो, ना, 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 तो पूरी रात बैठने वाले लोग हैं, कोरम पूरा हम लोग ही रखते हैं आपका। अच्छा एक मिनट सर, बीते 6 वर्षों में केंद्र के जरिए किसी भी तरह कृषि कर्ज माफी नहीं की गई। ये तब हो रहा है जब व्यावसायिक बैंक के जरिए 17-18 10 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट या खराब ऋण को पट्टे में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में कृषि ऋण से दबे किसान फिर से उस ब्याज दरों पर मैं एक मिनट में अपनी बात लास्ट समाप्त कर रहा हूं सर, एक सेकंड, इसके बाद एक मेरा टॉपिक है खुद का मैं कर रहा हूं वही डायरेक्ट ब्याज दरों पर निजी साहूकारों की चपेट में। ऐसे में मेरी सरकार से मांग रहेगी कि देश में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। सभापति महोदय, मैं अंत में मेरी बात समाप्त करूंगा। अग्निपथ का मामला कल भी मैंने उठाया था, मेरा निवेदन है कि कल जो घटना हुई वैसे सरकार ने जवाब भी दे दिया। चूंकि हम नौजवान हैं और नौजवानों ने इस देश के अंदर सारी जो क्रांतियां हुई उसके बाद से लेकर नौजवान ही लड़ रहा देश के लिए, और नौजवानों ने ही आपको सत्ता में बिठाया 14 और 19, नौजवान और किसान ने। मेरी मांग रहेगी कि जिस तरह अरुणाचल के तवांग में एक सेकंड समाप्त करो, चीन ने जो दुस्साहस किया ये सब इस वजह से हो रहा कि अग्निपथ अग्निवीर ये बंद करो अग्निपथ। अच्छा, मेरी अपील है अग्निपथ की वजह से हिमाचल गया 15 साल से इनको वो है बीजे हिमाचल 2007। नेक्स्ट स्पीकर विदुरी जी आप बैठिए, मेरा निवेदन आप समाप्त कीजिए। निवेदन कर रहा हूँ मैं अपील कर रहा हूँ अग्निपथ को वापिस लें, देश का जवान देख रहा है। रमेश विदुरी जी वापिस लें आप योजना। रमेश विदुरी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट फर्स्ट पैच और एक्स